आप तमाम नाज़रीन का टी एन टी वी न्यूज़ में इस्तकबाल है। ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम यौम जमहूरियत तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर सोसाइटी मोहम्मद सलीम नवाब ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। मोहम्मद गुलाम गौस जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी ने यौम जमहूरियत और दस्तूर की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर नायब सदर सोसाइटी सैयद खलील, मोहम्मद तकी हुसैन, मोहम्मद नज़ीर सुबहानी पटेल, जफ़र खान मौजूफ तहसीलदार, ख्वाजा मोइनुद्दीन मौजूफ हेल्थ ऑफिसर के अलावा तुलबा व तालिबात की कसी तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छे फैकल्टीज को लेके इनकी तरबियत कर रहे हैं। अब ये चल रहा है, जैसे आप उनकी किस्मत है, जितनी मेहनत करें उतना नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती। जिसके किस्मत है, जो आगे बढ़ गया उसको तो नौकरी मिलेगी, लेकिन एक फायदा तो होगा ना, एक नॉलेज बढ़ जाएगा, अपने बच्चों को वो तरबियत कर सकते हैं। इसलिए खासकर हम लड़कियों की इस वजह से लिए कि ये एक फैमिली है, ये फैमिली यानी पांच बड़ा इस लिहाज से चलना है इसको। अब इसमें बहुत सारे लवाजमत आ गए, यानी कई उसमें मिक्सर्स हो गए। झंडे को तो यानी झंडे के पोल को भी डेकोरेट करते करना नहीं है। झंडे का पोल कहाँ, आप दिल्ली का झंडे का पोल देखो, सफेद रहता है बिल्कुल, वहां से यहाँ तक सफेद रहना। ये फूला जो गिरने के ये भी नहीं है, मगर लोग दिखना कह रहा बोल के दिख रहे हैं। सिर्फ झंडा चनफर होना है, झंडा चढ़ना है उसको, एक हम उसके